प्रभु जीशुंक नाम रे समस्तंकु स्वागत जनाउछि। आसंतु आजिर वाक्य मध्यकु जिबा। आजिर वाक्य होउछि लुक 12 पर्वर 8 पद। आउ मु तुमनकु कहउछि जे केही लोकमानक आगरे मते स्वीकार करिवो, मनुष्य पुत्र मध्य ईश्वरंकु दूतमानक साक्षातरे ताहाकु स्वीकार करिवे। लुक चैप्टर 12 वर्स 8। Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man will also confess before the angels of God. लुका 12 अध्याय उसके 8 पद में लिखी गई है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य पुत्र भी परमेश्वर की स्वरूप के सामने मान लेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के जरिए हमसे ये कहते हैं कि अगर हम उनको सच में मानते तो हमें लोगों के सामने भी मानने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई पूछे कि क्या आप क्रिश्चियन हो, सच में आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, तो हमें उसमें मना नहीं करनी चाहिए। हमें हाँ कहनी चाहिए कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। आज बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो सच में अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं अपनी कर्मों के द्वारा और लोगों के द्वारा। जब लोगों के सामने वो जाते अपनी जॉब में या अपनी बिजनेस में वो जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं कि नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, नहीं मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूँ। अगर आप यीशु मसीह को आज इनकार करेंगे तो यीशु मसीह भी अपने स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने भी आपको इनकार करेंगे। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने और उनकी तरह कामों को करें और पवित्रता ही में रहें। और हमें हर टाइम अपनी लाइफ में केवल केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने की जरूरत है ताकि वो हमें ब्लेस कर सके और ऊंचा कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के जरिए आप सभी को आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।